मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं चंदवानी क्लासेस में। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी फिजिक्स की ग्रेजुएशन की क्लास लेकर आएंगे, तो आज हम अपना शुरुआत करने जा रहे हैं उस क्लास के साथ। तो बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। हमारी इंट्रोडक्शन क्लास पहले ही हो चुकी है, तो आज हम सेमेस्टर वन के पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले मैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की बात करता हूं। तो बच्चों इनको बोलते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनको क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों इसमें अब क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इंची टेप लूंगा अपना, एक इधर एक हैंड उसका उधर रखूंगा और अपने इधर से तुरंत तुरंत मेजर कर दूंगा कि मेरी हाइट कितने इंचीज है या फिर कितने फुट है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे डायरेक्ट वे हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा कि वो जो इंच में मैं लेके आया हूं वो मैंने अपनी हाइट को मेजर करा है कैसे, डायरेक्टली। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टली, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहां से देखना है कि दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है और उसी सेम इंची टेप से लेना है। चलो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा डायरेक्ट क्वांटिटी का। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मुझे दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस में किसी इंची टेप से तो नहीं निकाल सकता। उसके लिए हमने क्या करा है, उसके लिए हमारे पास लाइट ईयर है। तो ये क्या, ये एक इनडायरेक्ट क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम किसी दो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर पार्टिकल्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये कैसा वे है, ये एक इनडायरेक्ट वे है। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज सारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन्हीं सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स एक क्वांटिटी आपकी, फोर्स एक क्वांटिटी है, ठीक है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी आपकी एक वेलोसिटी क्वांटिटी है, स्पीड एक क्वांटिटी है, इसी तरीके से आपकी अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं आपके, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिस्क्राइब करना पड़ा। इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि एक क्वांटिटीज की पूरी अलग फीचर्स हैं और दूसरी क्वांटिटीज के उससे काफी डिफरेंट फीचर्स हैं, कुछ सिमिलर फीचर्स भी हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, अभी मेरे को इस मार्कर को उठाना है, ठीक है, तो मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। अब इसमें मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा, या तो इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं इस फोर्स में अपनी एक डायरेक्शन लेके चल रहा हूं, फोर्स में एक डायरेक्शन लेके चल रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहां ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूं और बी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं। अब मुझको टास्क दिया गया है कि मुझे आप तक पहुंचना है, टाइम नहीं बताया कि कितना कितनी जल्दी पहुंचना है कि लेट पहुंचना है, बस मुझे ये बताया गया है कि ए पॉइंट पे बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाऊं, मैं डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता हूं, चाहूं तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, चाहूं तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, चाहूं तो मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल वेज हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के। तो इससे हमें क्या पता लगा, यहां पर हम कैसे हैं, यहां पर हम हैं डायरेक्शन लेस। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से दो अलग अलग क्वांटिटीज हमारे पास आ गई हैं। एक क्वांटिटी का नाम आया वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का नाम आया स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जो बच्चे हमारे मैथ्स से होंगे, जिन्होंने ट्वेल्थ में जिनके पास मैथ्स होगी
उन्होंने ये काफी पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में, फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, बल्कि अपनी 12th क्लास के अंदर उनका एक 3D चैप्टर है, वहां भी उन्होंने स्केलर वेक्टर कवर करा होगा। ये बेसिक चीजें मैं बेसिकली उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो हमारे पीसीबी वाले बच्चे होंगे, कुछ बच्चे वो भी होंगे जिनके पास बायोलॉजी होगी 11th एंड 12th क्लास में, तो उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो मैं उन बच्चों के लिए भी लेकर चला हूं। तो जो बच्चे जो वेक्टर एंड स्केलर में अपना एक स्ट्रॉन्ग अपना हैंड रखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बच्चे बी पेशेंस, हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे, मैं बिल्कुल आपको बेस से लेकर चलूंगा और एडवांस तक हम पहुंचेंगे। तो बिल्कुल अभी आप पेशेंस रख के चलें कि भाई आपको लगे कि क्या सर बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों मैं बिल्कुल आपको एक ऐसे लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और वहां से मैं आपको पूरी बीएससी की फिजिक्स कंप्लीट करवा कर दूंगा। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब जिनके पास डायरेक्शन भी हो और क्या हो साथ में मैग्नीट्यूड भी हो। अब पॉइंट आया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, तो डायरेक्शन बच्चों आपकी होती है दिशा कि भाई मुझे पर्टिकुलर नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, साउथ में जाना है कि वेस्ट में जाना है, या नॉर्थ ईस्ट में जाना हो साउथ वेस्ट में जाना है, तो ये मेरी होगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बेसिकली मेरे पास एक क्वांटिटी हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू में एक मेरे पास क्वांटिटी हुई, जैसे जैसे मैं बात करूं 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये जो 10 मेरे पास है ये मेरा क्या है, ये मेरे पास एक मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो वो क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सो ऑल दोस क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, these quantities are called vector quantities. अब इसके कुछ examples, ex मतलब example आपके होंगे क्या क्या, force, डिस्प्लेसमेंट और आपका कोई और एग्जाम्पल जैसे आपका वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये क्या चीज बोलते हैं, मान लो मैं वेलोसिटी का एक आपका डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल ले लूं, जैसे आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मल्टीपल वेज हैं हमारे पास, मल्टीपल वेज है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको ए को, आप ए को जाना है बी के पास, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेगा, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच में क्यों कौन से वाला होगा, ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, और इसी शॉर्टेस्ट पाथ को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, इसी शॉर्टेस्ट पाथ को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट की ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, और वो डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में होगी, कि भाई बी के रेस्पेक्ट में, कि बी मेरे से किस डायरेक्शन में खड़ा है, उस डायरेक्शन में ही तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ लूंगा, भाई मैं ऐसा तो नहीं है कि इधर चल दूंगा या फिर इधर से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये क्या होगा, इससे तब भी थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लूंगा, तो मेरे पास डायरेक्शन भी होगी और मैं कुछ डिस्टेंस भी कवर करूंगा जो कि मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ फीचर्स और उनके वेक्टर क्वांटिटीज के भी टाइप्स। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ए मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, तो जितनी भी क्वांटिटीज जिनके ऊपर इस तरीके से एरो लगाओ वो सारी की सारी हमारे पास क्या क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि आपकी वेलोसिटी के ऊपर इस तरीके से एरो लग रहा है, आपकी फोर्स के ऊपर इस तरीके से एरो लग रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज के, ये दिखा रहे हैं कि इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज के पास क्या है, एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड भी है, ये इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो आपका पहला टाइप अगर इसके अंदर आता है तो आता है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कि भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर्स आपके वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास सेम डायरेक्शन होती है और सेम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सो ऑल दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स, इन्हीं को बोलते हैं। जैसे मैं मान लूं कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर मान लेते हैं या फिर इधर मान लेते हैं कि भाई इधर तो ये आपके क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। मतलब कहने का कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये कब होगा, जब इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इसके अंदर आपका दूसरा टाइप आता है फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर। तो आपका फिक्स्ड वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं होता। तो ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट बट नॉट फाइनल पॉइंट। जैसे आपने देखा भी होगा, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एक तरीके का एग्जाम्पल है, मान लो ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल होगा, क्यों, क्योंकि ये इन तीनों वेक्टर्स का, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इन इन तीनों वेक्टर्स का ये इनिशियल पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इनको, इसको भी फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे, इसको भी फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे और इसको भी फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। रीजन, क्योंकि यहां पे इसके पास अपना क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। तो इसमें नेक्स्ट आपका टाइप आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो बात आई कि यूनिट वेक्टर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट कुछ किस तरीके से किया जाता है। यूनिट वेक्टर आपका ए कैप, इस तरीके से उसके ऊपर कैप लग जाती है, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है, वेक्टर विच हैव सम डायरेक्शन, उसके पास एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होगी, कि कोई भी हो सकती है वो, वेदर इट इज एक्स एक्स, वेदर इट इज भाई वो एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है, वाई एक्सिस की तरफ हो सकता है, जेड एक्सिस की तरफ हो सकता है, या उन दोनों के बीच की में डायरेक्शन भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है उसकी डायरेक्शन। सो वेक्टर विच हैव सम डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज वन, इसका मैग्नीट्यूड वन हो। इसमें बेसिकली मैं आपको इसका एक वो बता देता हूँ कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ए जो ए कैप होती है वो आपकी इक्वल्स टू होती है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। ये आपका बहुत ज्यादा मेन, एक मैं बता सकता हूँ कि एक मेन टाइप है वेक्टर्स में, सबसे मेन टाइप है, और ये आपका काफी यूजफुल होने वाला है ए कैप का। नेक्स्ट आपका टाइप आता है कोप्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, या इसको हम बोल देते हैं कोलिनियर भी बोल देते हैं, को चलो कोलिनियर थोड़ा अलग हो जाता है, तो हम कोप्लेनर की ही बात करते हैं, कोलिनियर थोड़ा सा अलग हो जाता है कोप्लेनर से। सो कोप्लेनर, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है प्लेन, ये प्लेन वर्ड आ रहा है। सो बेसिकली इस प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई एक सरफेस, तो वो वेक्टर्स जो कि एक सरफेस पे लाई करें, एक ही सरफेस पे लाई करें, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, पूरी ये जो है ये इस पे, ये इसकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लो मैं इस पे दो वेक्टर बना दूं, एक वेक्टर ये ए, एक वेक्टर ये बी, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, या फिर एक वेक्टर मान लो ये सी और एक वेक्टर मान लो ये डी,
तो ये ए बी सी डी ये चारों वेक्टर्स कैसे वेक्टर कहलाएंगे आपस में, ये कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन है वाई एक्सिस का, ये प्लेन है इस पर ये लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऑल दोज वेक्टर विच लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। जो बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए वो सारे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन पर लाई करें उन वेक्टर्स को बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर। अब बात करेंगे हम कोलिनियर की, कोलिनियर वेक्टर्स। तो वो सारे वेक्टर्स, यहां पे वर्ड आ रहा है लाइन, लाइन। सो वो सारे वेक्टर्स जो कि एक लाइन पर ही लाई करें उनको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर ए, मान लो ये एक वेक्टर बी, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, मैं इनको बोलूंगा कैसा कोलिनियर वेक्टर। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक वेक्टर ये सी और ये इसके ए वेक्टर ए, तो ये देखो ये भले ही इसके पैरेलल है लेकिन अगर मैं मान लो इसकी अक्रॉस एक लाइन लेके जाऊं तो देखो ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। सो ऑल दोज वेक्टर विच लाइज ऑन द सेम लाइन और ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल और लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चे इसमें नेक्स्ट आपका टाइप आता है ऑपोजिट वेक्टर्स, ये मेरे से भी छूट गया था, ऑपोजिट वेक्टर्स। तो अगर हम बात करें ऑपोजिट वेक्टर्स की, सो ऑपोजिट वेक्टर्स आपके बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम होती है, सॉरी जिनके मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होती है। सो ऑल दोज वेक्टर्स, ऑल दोज वेक्टर्स having same magnitude but different direction, जैसे ये a vector है, इसी के opposite एक मान लो ये b vector है, तो मैं क्या बोलूंगा कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का b वेक्टर। कैसे? अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये साइन यहां पर नेगेटिव का हो जाता है। ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, मान लो अगर एक वेक्टर इधर जा रहा होगा, कोई a वेक्टर अगर इधर को इधर जा रहा होगा, अगर हमको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमको साइन में भी चेंज, साइन में चेंज लाना पड़ेगा। कैसे? इस डायरेक्शन में इस वेक्टर को कहलाएंगे माइनस का a वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? अपोजिट वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालने लग जाऊं तो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है? इनकी डायरेक्शन बहुत अलग है। जैसे एक वोल, मान लो इधर एक वोल है, एक बंदा इधर इस वोल पे फोर्स लगाता है एफ वन, एक बंदा इधर इस पे फोर्स लगाता है एफ टू। तो ये हमारे पास क्या है? वोल। इधर से एक बंदा एफ वन फोर्स लगा रहा है, इधर से एक बंदा एफ टू फोर्स लगा रहा है। मान लो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वोल तो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस ही नहीं होगी। वोल कहां अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगी? क्योंकि दोनों कैसा फोर्स लगा रहे हैं? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन एक की इस डायरेक्शन में और एक की इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इन फोर्स के वेक्टर्स, अगर मैं इनकी वेक्टर्स की बात करूं तो एफ वन वेक्टर और एफ टू वेक्टर्स, ये किस तरीके के वेक्टर होंगे? ये दोनों होंगे ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स। तो बच्चे इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, सो आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि सर यूनिट वेक्टर तो आपने अभी भी पढ़ाया है। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर थोड़ा सा अलग है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। तो वो यूनिट वेक्टर्स जो आपके एक्स एक्सिस पर लाई करें उसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से, जो आपके वाई एक्सिस पर लाई करें उन्हें जे एक्स, जे कैप से,
और जेड एक्सिस पे जो वेक्टर्स लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर लाई करते हैं, उनको के कैप से। तो ये जो आपके आई जे के हैं, इनको ही हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपका क्या होगा, आई कैप अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका क्या होगा, जे कैप। अलोंग जेड एक्सिस आपका क्या होगा, के वेक्टर। तो अभी हमने मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में समझा दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं, कोप्लेनर, लीनियर, कोलीनियर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कल हम पढ़ेंगे इनमें कुछ मेथड कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है। तो कल हम इनके थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे।